हाय फ्रेंड्स, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 5 का EVS 2 का 6th चैप्टर, दैट इज स्टोन एज स्टोन टूल्स। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले EVS 1 में हम लोगों ने अब तक 14, 15, 16, 17, 18th चैप्टर कवर कर दिए हैं, यानी कि 4 चैप्टर्स मैंने आपको सिखा दिए हैं। अगर आपको EVS 1 का चैप्टर्स देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर ज़रूर देखिए, वहाँ पे अवेलेबल है मेरे सारे वीडियोस EVS 1 के एंड मैक्स के भी। ओके, तो आज मैं ये वाला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ और ये वाला सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। ये वाला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं अभी। टाइप्स, तरह, अलग अलग तरह के, और टूल्स, किसके टाइप्स, टूल्स के टाइप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। अभी पहले के टाइम पे जब इंसान को या हमें जब ही कुछ काम करना होता था तो टूल्स चाहिए होते थे उसके लिए। तभी तो कुछ स्टील मेटल नहीं था, सिर्फ पत्थर ही थे, यानी कि स्टोन ही था। तो उसके हिसाब से हम लोगों को अलग अलग टूल्स बनाए जाते थे स्टोन के। तो वही हम लोग अभी देख रहे हैं इस पैराग्राफ में जो आप देख रहे हैं। इफ़ वी सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट बरीड इन द ग्राउंड, व्हाट वुड वी डू टेक इट आउट। अगर हम लोग एक शाइनी ऑब्जेक्ट देखें ज़मीन में गड़ा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे उसे निकालने के लिए। परहैप्स वी वुड स्कैर्प इट आउट विथ आवर फिंगर्स, या तो हम अपने हाथों से, अपनी नेल्स से, फिंगर्स से उसे खरोच के निकाल लेंगे। इट इफ़ दैट डिड नॉट वर्क, वी माइट ट्राई टू डिग इट आउट विथ अ ट्विग और स्टिक। अगर वो काम नहीं करता है, हमारी उंगलियों से हम नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग किसी लकड़ी से करेंगे, निकालेंगे उसे, किसी नकली लकड़ी से हम लोग उसे खरोच के निकाल लेंगे। If that too did not work, we would have to look for a pointed stone. Yes. अगर वो भी काम नहीं करता है तो हम लोगों को एक pointed stone, यानी कि एक नोकीले पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी। That should do the job. वो काम ज़रूर करेगा। इसीलिए वो टाइम पे लकड़ी या फिर पत्थर यही हुआ करते थे। Okay. But if it still doesn't, that we would have to get an iron rod to dig that shining object out. अगर वो भी काम नहीं करता है तो हम लोग इस ज़माने में क्या करते हैं, कोई भी आयरन रॉड निकालते हैं, आरी जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आरी, उससे हम लोग ज़मीन की खुदाई कर देते हैं, और फावड़ा जिसे हम लोग फावड़ा भी कहते हैं, उससे भी हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, तो ये कर सकते हैं। दिस शोज़ दैट वी नीड टू चूज़ द टूल अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क। ये हमें बताता है कि हम लोगों को चूज़ करना पड़ता है टूल, कोई भी टूल उस काम के मुताबिक, उस काम के अकॉर्डिंग जो हम लोगों को करना है। अभी ज़मीन में से कोई चीज़ निकालनी है तो हम लोगों को फावड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग उठा के नीचे डाल के उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ज़मीन में गड़ी हुई चीज़ को निकालने के लिए अलग टूल चाहिए, और पेड़ को काटने के लिए अलग टूल चाहिए, तो ये टूल्स वो टाइम पे बनाए जाते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइन अवर चॉइस ऑफ टूल्स। ये जो 4 आप देख रहे हैं ये बताएगा हमारी चॉइस ऑफ टूल्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहली बात, जो हम लोग को टूल्स जिस चीज़ से बनाने हैं वो चीज़ तो सबसे पहले अवेलेबल होनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। मिनिमल यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कम से कम इस्तेमाल समय और ऊर्जा का, बहुत ही कम यूज़ होना चाहिए टाइम का और शक्ति का। मैक्सिमम एफिशिएंसी, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम हो काम में आए हमें। लास्ट, स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज़ अक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। स्किल, कला,
टूल्स को बनाने की कला जो हम लोगों को मिलती है प्रैक्टिस करने से. ओके, एप्स लाइक चिंपैंजी ऑल्सो यूज स्टोन्स टू ब्रेक सीड्स एंड नट्स. एप्स और चिंपैंजी, लाइक द चिंपैंजी, जो एप्स थे, एप्स जो हम ही थे, एप्स जो चिंपैंजी हमारे चिंपैंजी जैसे लिखते थे हम लोग तभी, वो भी स्टोन्स को ही यूज़ करते थे. सीड्स अखरोट जैसे, अभी अखरोट अभी बता दूँ, नट्स, सीड्स और सीड्स एंड नट्स. अखरोट को तोड़ने के लिए हम लोगों को उसको तोड़ने के लिए हम लोगों को किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है. वैसे ही वो टाइम पे सीड्स और नट्स को तोड़ने के लिए स्टोन को एप्स यूज़ करते थे तोड़ने के लिए. ओके, स्टोन्स को दे यूज़ स्टिक्स टू स्टर द एंट्स आउट फ्रॉम एंटल्स टू कैच देम. वो यूज़ करते थे स्टिक्स, लकड़ियों को इस्तेमाल करते थे एंट चीटियों को उनके घर से बाहर निकालने के लिए, ताकि वो उसे पकड़ सके, उन्हें पकड़ सके. ह्यूमंस टू हैव ऑलवेज बीन यूजिंग टूल्स सच एज बोन्स, स्टोन्स, ड्राइड ट्विग्स एंड स्टिक्स एज टूल्स. हमने इन सारी चीज़ों को अपने टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया था. बोन्स है हड्डियाँ, स्टोन्स पत्थर, ड्राइड ट्विग्स एंड स्टिक्स पेड़ की डाली. ट्विग को हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ की डाली, वो सूखी पेड़ की टहनियाँ और लकड़ियाँ हम लोग टूल्स में, हथियारों में यूज़ किया जाता था. ओके, विथ कंटिन्यूस एंड माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन एंड देयर इनबॉर्न इमेजिनेशन ह्यूमंस लर्न दैट दे कुड शार्पन रॉड्स, बोन्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स इनटू टूल्स टू कैरी आउट देयर टास्क मोर एफिशिएंटली. ओके, कंटिन्यूस लगातार और बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करना, ध्यान से उसे चेक करना, ध्यान से उसे एकदम कोई भी टूल को बनाना, एक्सपेरिमेंट करना, ये उनका इनबॉर्न यानी कि बॉर्न वो उनका पहले से ही ये उनमें ये इमेजिनेशन थी, ताकि ह्यूमंस लर्नड कंटिन्यूस एंड माइन्यूट ऑब्जर्वेशन यानी कि लगातार और एकदम छोटा छोटा काम करना, ध्यान ध्यान से छोटी छोटी चीज़ को ध्यान दे के काम करना, और एक्सपेरिमेंटेशन उसको फिर चेक करना कि ये हमारी काम की है कि नहीं जो हमने बनाई है. फिर इनबॉर्न इमेजिनेशन, ये जन्म से ही इनमें ये क्वालिटी थी. फिर ह्यूमंस लर्न दैट दे कुड शार्पन रॉड्स, ये काम करने के बाद इंसानों को लगा कि वो भी रॉड, लकड़ियों को, स्टिक्स को, बोन्स को, स्टोन्स को शार्प कर सकते हैं, उन्हें उनको धार लगा सकते हैं, ताकि वो एकदम शार्प बन जाए, नोकीले बन जाए, ताकि हम लोग कोई भी काम आसानी से कर सकें. शिकार करना, घर बनाना, ये टूल्स से हम लोग कर सकते थे. ओके, दे ऑल्सो लर्न दैट दे कुड गिव दीज ऑब्जेक्ट्स एनी शेप दे डिज़ायर्ड. उन्होंने ये भी सीखा कि इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीज़ों को वो कोई भी शेप दे सकते हैं जो उनकी इच्छा हो. इन द प्रीवियस लेसन वी सॉ दैट स्टोन टूल्स वर फाउंड विद द रिमेन्स ऑफ होमो हैबिलिस. पिछले लेसन में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोगों ने देखा था कि जो स्टोन टूल्स, पत्थर के हथियार हैं, वो बनाए जाते थे होमो हैबिलिस से. के वी कैन से दैट ही मेड देम बिकॉज दे वर फाउंड नियर हिज रिमेन्स. ये हम लोग कह सकते हैं कि वो बने थे क्योंकि वो उनके बाजू में ही मिले थे. बट डिड ही मेक ओनली स्टोन टूल्स, पर क्या वो सिर्फ स्टोन टूल्स ही बनाते थे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम अदर मटेरियल्स एज वेल. ये इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो टूल्स, हथियार दूसरे मटेरियल्स, दूसरी चीज़ों से भी बनाया करते थे. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इसका पीछे वाले चैप्टर्स नहीं लिए हैं क्योंकि
चैप्टर अभी सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो चुका है एंड जब मेरे ये सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपका पहले वाला पोर्शन कवर कर लूँगा. ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट. हाउएवर ऑफ द टूल्स मेड बाय ह्यूमंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो ओनली स्टोन टूल्स कैन बी फाउंड टूडे. हालांकि जो टूल्स ह्यूमन से बनाए जाते थे, इंसानों से बनाए जाते थे हज़ारों सालों पहले, उनमें से सिर्फ हमें आज पत्थरों के ही हथियार मिले हैं. टूल्स मेड फ्रॉम बोन आर रेयरली फाउंड बट सिंस ट्विग्स एंड स्टिक्स डिकम्पोज इजिली वी डू नॉट फाइंड एनी टूल्स मेड फ्रॉम देम. यस, टूल्स जो कि बनाए जाते थे बोन हड्डियों से, वो बहुत ही कम पाए गए हैं. क्यों? पर जो पेड़ की टहनियाँ और लकड़ियों का जो टूल्स थे वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज, यानी कि वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं समय के अनुसार. ओके, मिट्टी में पिघल जाते हैं, इसलिए वो आज हमें नहीं मिल पा रहे हैं. ओके, चलिए, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा. मेरा अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँ आपके, एक सेकेंड, आपके कमेंट्स के द्वारा. ओके, टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स, अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल. अभी ये देखिए, चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल, ये जो सारे आप देख रहे हैं ना, ये टूल्स बनाए जाते थे बोन्स से और पत्थर से. अभी आप यहाँ से पहचान सक रहे होंगे कि ये वाला जो है वो पत्थर का होगा, ये वाला है वो भी पत्थर का होगा, और ये भी पत्थर का ही है, स्टोन ही है. बट ये और ये है हड्डियों का, क्योंकि पत्थर गोल ही होते हैं तो अलग अलग तरीके के शेप होते हैं, हड्डियों का अलग शेप होता है. तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने धार लगाई हुई है, ये देखिए इनका कोना, आप देख ही रहे होंगे हर जगह पे कोना है. ये देखिए, ये खुद धार लगाते थे दूसरे मटेरियल्स, दूसरे पत्थरों से. तो सबसे पहला है हमारा ये चॉपर, फर्स्ट वन इज चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल. ये एक पेबल यानी कि एक मोती, मोती की तरह का एक मटेरियल होता है पेबल फर्स्ट, देन अ स्क्रैपर, आई थिंक, हाँ यस स्क्रैपर, ये स्क्रैपर है सेकेंड वाला. ये देखिए ये वाला, ये वाला आप देख रहे हैं सेकेंड जिस पे लिखा हुआ है वो है स्क्रैपर. थर्ड वन इज सर्क्यूलर हैमर स्टोन, हैमर स्टोन है ये थर्ड सर्क्यूलर. फोर्थ है चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लेक ऑफ स्टोन, फोर्थ वन. ये देखिए चॉपर, ये भी है चॉपर है, एक फ्लेक स्टोन के एक फ्लेक से बनाया गया है. अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन, फिफ्थ वाला देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना आपको ये बोन का शेप का. उसके बाद सिक्स्थ एन एंटलर यूज एज अ पिक, सिक्स्थ वन देख रहे हैं आप, ये थोड़ा चाकू की तरह लगता है ना. ओके, एक चैप्टर, एक पेज हम लोगों ने कर दिया है कंप्लीट, इसका एक टॉपिक हो गया है कंप्लीट. अभी हम लोग सेकेंड टॉपिक ले रहे हैं, ये भी इतना काफ़ी है. चलिए शुरू करते हैं सेकेंड टॉपिक, एक सेकेंड. स्टोन एज टूल्स, वो वहाँ के और जो टूल्स हैं उनके बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे. द पीरियड फ्रॉम विच मेनली स्टोन टूल्स आर कॉल्ड द स्टोन पीरियड, जो समय जहाँ पे स्टोन टूल्स पाए गए हैं, जहाँ से स्टोन टूल्स पत्थर के हथियार पाए गए हैं, उन्हें हम लोग स्टोन, उससे हम लोग स्टोन एज कहेंगे, उस समय को स्टोन एज कहेंगे. द स्टोन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड द टाइप्स ऑफ टूल्स फाउंड. ओके, जो स्टोन एज है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है शेप के बेसिस पर, शेप के अकॉर्डिंग, शेप के मुताबिक. ओके, फर्स्ट है ओल्ड स्टोन, ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक, यस पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज फ्रॉम पैलियोलिथिक एज, पुरानी स्टोन, पुराना पत्थर का समय
या फिर आप इसको दो पार्ट में दो नाम दिए गए हैं, ओल्ड स्टोन एज या फिर ये वाला वर्ड पैलेओ लिथिक एज। पैलेओ मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन, ये भी इसका भी मतलब यही हुआ, पैलेओ मतलब ओल्ड पुराना और लिथोस मतलब स्टोन पत्थर। ओके, सेकेंड है मिडिल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज। मेसो यानी कि मिडिल, लिथोस यानी कि स्टोन। ओके, मिडिल बीच का समय। थर्ड है न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज, नियो यानी कि न्यू। ओके, ये हिस्ट्री का भी ऐसे ही होता है, आपको मालूम ही होगा, एंशिएंट मीडिवल मॉडर्न, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाई होगी, पर आपने मीडिवल हिस्ट्री 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा, है ना। ओके, नाउ ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक एज, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस हु बिलोंग टू द ओल्ड स्टोन एज बोथ मेड देयर टूल्स यूजिंग द पेरकशन टेक्निक। पेरकशन टेक्निक ये एक टेक्निक है जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व बीटिंग और स्ट्राइकिंग द वन लार्ज पेबल अगेंस्ट अनदर टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक्स। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस ये दो प्रजातियाँ हैं जो पुराने समय, पुराने पत्थर के समय को बिलोंग करती है। ओके, ओल्ड स्टोन एज को बिलोंग करती है, बोथ दोनों ने ही अपने टूल्स अपने हथियारों को पेरकशन टेक्निक के साथ बनाया है। ओके, ये टेक्निक इन्वॉल्व करती है बीटिंग और स्ट्राइकिंग वन लार्ज पेबल अगेंस्ट, बीटिंग मारना यानी कि मारना या फिर शिकार करना एक बड़े पेबल को दूसरे पेबल के साथ स्टोन फ्लेक प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। ओके, द फर्स्ट टूल्स मेड इन द ओल्ड स्टोन विद दिस टेक्निक, ओल्ड स्टोन एज विद दिस टेक्निक वर क्रूड। जो पहले हथियार फर्स्ट टूल्स पहली टूल्स बनाए गए थे स्टोन ओल्ड स्टोन एज में, वो इस टेक्निक से बनाए गए थे। ओनली वन साइड ऑफ दोज टूल्स हैड अ शार्प एज, सच टूल्स आर नोन एज चॉपर्स। यस दे, हाँ पहले यहाँ पे बता देता हूँ, ओनली सिर्फ एक साइड ही उन हथियारों का उनको धार होती थी एक ही जगह पर, जैसे कि चाकू आज के समय का चाकू है, वहाँ पर सिर्फ एक ही साइड धार होती है ना, वो भी फ्लैट होता है, यानी कि उससे हम लोग शार्प एज, एक ही शार्प एज होता है, इन्हें हम लोग कहते हैं चॉपर, किसी भी चीज़ को काटने के लिए। दे कुड ओनली बी यूज फॉर ब्रेकिंग नट्स, दे कुड ओनली बी यूज फॉर ब्रेकिंग नट्स और बोन्स। यस, अभी मैंने बताया किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए नट हो बोन हो। ओके, द टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वर ऑफ दिस काइंड, जो टूल्स होमो हैबिलिस बनाया करते थे वो इन तरह के हुआ करते थे, ये होते थे बोन्स को और नट्स को काटने के लिए। दे इंडिकेट दैट होमो हैबिलिस हैड नॉट येट लर्न टू बर्न हंट, ये बताते हैं कि होमो हैबिलिस ने अब तक हंट करना यानी कि हंटिंग करना शिकार करना शुरू नहीं किया। फ्लेक्स ऑफ स्टोन वुड बी प्रोड्यूस्ड वाइल शेपिंग हिज टूल्स, स्टोन के फ्लेक्स यानी कि फ्लैट स्टोन होते हैं ना, फ्लैट सीधा सा उसके ऊपर फ्लैट सरफेस होता है उसका, वो प्रोड्यूस किया जाता है टोन्स बाकी टूल्स को शेप करने के लिए। ही यूज्ड द फ्लेक्स फॉर स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम हाइड, फॉर चॉपिंग मीट एंड अदर फुटस्टेप्स, फॉर शार्पनिंग वुडन स्टिक्स एट्सेट्रा। ये स्टोन फ्लेक्स को स्क्रैपिंग मीट यानी कि जानवरों की मांस को अंदर खरोच खरोच के वो लोग अंदर से अंदर की जो उनकी बॉडी पार्ट से खाने के लिए वो उनको स्क्रैच करते थे, और मीट को चॉप करने के लिए जानवरों के मांस को चॉप करने के लिए काटने के लिए और दूसरी खाने पीने की चीज़ों को चॉप करने के लिए वो बनाया करते थे स्टोन फ्लेक्स, और इनको
शार्पनिंग भी करते थे वुडन स्टिक्स, लकड़ियों को शार्पनिंग करने के लिए भी स्टोन फ्लेक्स का यूज़ किया जाता था। आगे देखते हैं, टूल्स लाइक द हैंड एक्स एंड क्लीवर मेड बाय होमो इरेक्टस आर मोर प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्रिकल देन द चॉपर्स मेड बाय होमो हैबिलिस। यस, टूल्स जैसे कि कुल्हाड़ी और क्लीवर, इसको क्या कहते हैं मुझे समझ में, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कुल्हाड़ी जैसा एक हथियार है जो आज बनाया जाता है, होमो इरेक्टस ने बनाया था, शुरुआत की थी कुल्हाड़ी बनाने की, और वो आज ज़्यादा सिमेट्रिकल है, ज़्यादा इक्वल है और सिमेट्रिकल भी है। पहले क्या जो टूल्स बनाया करते थे वो मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बनाया करते थे, अभी मेजरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। और होमो हैबिलिस के होमो हैबिलिस से ज़्यादा अच्छे आज बनाया जाता है। ओके, अ प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्रिकल टूल हैज़ टू बी मेंटली विजुअलाइज्ड फर्स्ट। यस, एक प्रॉपर और एक इक्वल टूल को बनाने के लिए सबसे पहले उसके लिए दिमाग से सोचना पड़ता है कि हम लोगों को वो कैसे बनाना है। ओनली व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू मेक इट, तभी ही वो संभव है एकदम प्रॉपर बनाने के लिए। ओके, होमो इरेक्टस कुड मेंटली विजुअलाइज हिज टूल्स इवन बिफोर ही एक्चुअली शेप्ड देम। होमो इरेक्टस मेंटली विजुअलाइज करते थे टूल्स को बिफोर उनके बनाने से पहले, वो एक्चुअली थिंक किया करते थे, इमेजिन किया करते थे। टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक्स ही यूज्ड द थिंग्स लाइक एंटलर्स एज हैमर्स। स्टोन फ्लेक्स को बनाने के लिए एंटलर्स, वो भी एक तरीके का टूल है, स्टोन फ्लेक्स को बनाने के लिए वो यूज़ किया जाता था हैमर्स को बनाने के लिए। ओके, ही फर्दर शार्पन्ड द एजेस ऑफ दोज फ्लेक्स बाय स्कार्पिंग ऑफ स्मॉलर पीसेस टू मेक स्कार्पर्स विद वेरी शार्प एजेस। इन्होंने बाद में एजेस को थोड़ा स्कार्प करना शुरू किया स्मॉलर पीसेस में, स्क्रैपर्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा शार्प एजेस के लिए। ओके, इट मीन्स दैट होमो इरेक्टस वॉज यूजिंग डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क। इसका ये मतलब होता है कि होमो इरेक्टस जो थे वो टास्क के अकॉर्डिंग अलग तरीके के टूल्स यूज़ किए जाते थे, अलग अलग तरीके के टूल्स वो यूज़ किया करते थे। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए यहाँ पे, रिमूविंग माइन्यूट फ्लेक्स फ्रॉम द बिगर फ्लेक्स, ये देखिए ये भी शार्पनिंग का काम है। इसके बाद ये चॉपर हुआ करता था, स्टोन लकड़ी की कुल्हाड़ी। ओके, एंड एंटलर यूज्ड एज अ हैमर, ये देखिए एंटलर को यूज़ किया जाता था हैमर बनाने के लिए, सॉरी हैमर के रूप में यूज़ किया जाता था, सॉरी। रिमूविंग माइन्यूट फ्लेक्स फ्रॉम स्मॉलर फ्लेक्स, अभी स्मॉलर फ्लेक्स स्टोन का जो फ्लेक होता है, सेकेंड इधर ही बता देता हूँ आपको, स्टोन का जो छोटे छोटे हथियार होते हैं उनमें से भी जो अननेसेसरीली जो फ्लेक्स हैं रिमूव कर किया जाता था ताकि वो एकदम शार्प हो जाए। और ये एक बोन हड्डियों की कुल्हाड़ी होती थी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। और कितना है चैप्टर, बस इतना ही है, हो जाएगा जल्दी से, चलिए जल्दी करते हैं। चलिए, विथ हिज इम्प्रूव्ड टूल्स होमो इरेक्टस कुड हैव अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ फूड बिकॉज ही कुड नाउ हंट अ वैरायटी ऑफ बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, दीज इंक्लूडेड मेनली द डियर बिसन रैबिट एक्सेट्रा। ओके, ये देखिए इन इम्प्रूव्ड टूल्स के सहारे से वो होमो इरेक्टस के पास एक वैरायटी होती थी फूड के, उनकी फूड में खाने में उनके पास एक वैरायटी होती थी क्योंकि वो अब शिकार कर सकते थे अलग अलग बड़े और छोटे एनिमल्स को, ताकि उनमें क्या 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 कौन से जानवरों को वो शिकार करते थे, हिरन, भैंस और खरगोश। ओके,
आगे देखते हैं। द नियंडरथल मैन मेड फर्दर प्रोग्रेस इन टूल मेकिंग टेक्निक्स, ही बिगेन टू मेक स्मॉलर टूल्स। नियंडरथल इससे ज़्यादा थोड़ी चतुर प्रजाति थी जो कि जिसने और ज़्यादा तरक्की की टूल मेकिंग टेक्निक्स में, और ज़्यादा अच्छे अच्छे टेक्निक्स के साथ उन्होंने हथियार बनाए और उन्होंने छोटे छोटे टूल्स भी अच्छी तरह से बनाए। होमो सेपियंस ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स, ही डिवाइज्ड अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग एंड नैरो ब्लेड्स ऑफ स्टोन। होमो सेपियंस ने बहुत बड़ा चेंज लाया टेक्निक में, टूल्स को बनाने में, और उन्होंने टेक्निक भी चेंज कर दी लॉन्ग और बड़े और छोटे ब्लेड्स स्टोन के बनाने में। ओके, ही मेड वेरियस इम्प्लीमेंट्स लाइक द नाइफ, स्क्रैपर, बोरर, किसल एक्सेट्रा। उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के हथियार बनाए, जैसे कि चाकू, स्क्रैपर, खरोचने वाला हथियार, बोरर, चाइसल एक्सेट्रा। फ्रॉम दीज लॉन्ग ब्लेड्स, इन बड़े बड़े ब्लेड्स के सहारे से उन्होंने ये बनाया। ही ऑल्सो बिगेन टू यूज इनवरी, आइवरी एंड रेयर स्टोन्स ऑफ द क्वार्ट्ज़ वैरायटी फॉर मेकिंग टूल्स एंड अदर आर्टिकल्स। उन्होंने आइवरी, एक्चुअली इसे आरी कहते हैं, मैंने वहाँ गलती कर दी थी, सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मेरा पहला है इसलिए मैं थोड़ी गलतियाँ कर रहा हूँ। प्लीज़ अब तकलीफ, अब बुरा मत मानिएगा और अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। ही ऑल्सो बिगेन टू यूज़ आइवरी, यानी कि आरी भी उन्होंने शुरू की, और रेयर स्टोन्स, एकदम प्रीशियस, बहुत ही कम मिलने वाले पत्थर जो कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम वैरायटी में मिलते हैं टूल्स को बनाने में और दूसरे आर्टिकल्स को बनाने में, उन्होंने ये यूज़ किया। आगे देखते हैं। होमो सेपियंस हैड मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन गेनिंग नॉलेज ऑफ दिस ऑफ हिज एनवायरनमेंट एंड इन द टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टूल्स एंड ऑब्टेनिंग फूड। होमो सेपियंस, उन्होंने होमो सेपियंस ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस पाई नॉलेज को पाने में और एनवायरनमेंट की को ऑब्जर्व करने में, और टूल्स को बनाने की अलग अलग टेक्निक्स में, और खाने को प्राप्त करने के लिए होमो सेपियंस ने बहुत सारा प्रोग्रेस किया इसमें। दिस इनेबल्ड हिम टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ग्रुप्स ऑफ होमो सेपियंस हैड बिगन टू बिल्ड नट्स एंड हट्स एंड, आगे बढ़ते हैं, बट मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। ये होमो सेपियंस इस वजह से धीरे धीरे लंबे समय तक एक जगह पर रहने लगे और ग्रुप बनाकर रहने लगे होमो सेपियंस साथ में, और झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे साथ में। दे हैड ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग सोशल फेस्टिवल्स, मैनी आर्टिस्टिक पेंटिंग्स क्रिएटेड बाय होमो सेपियंस वर पॉसिबली मीन्ट फॉर दीज फेस्टिवल्स। दे उन्होंने ऑल्सो सेलिब्रेटिंग स्टार्ट किया, त्यौहार मनाना शुरू किया, और बहुत सारे आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स और केव पेंटिंग्स, यस, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई और स्टैचूज बनाए, मूर्तियाँ बनाई जो कि बना सके वो फेस्टिवल्स के लिए। होमो सेपियंस हैड स्टार्टेड यूजिंग ऑर्नामेंट्स टू एडॉर्न देमसेल्फ। फिर धीरे धीरे होमो सेपियंस ने अपने आप को आभूषण, जेवर पहनना शुरू किया, ज्वेलरीज पहनना शुरू किया, ऑर्नामेंट्स पहनना शुरू किया। बीड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ होमो सेपियंस मेड ऑफ शेल्स, बोन्स एंड एनिमल टीथ हैव बीन फाउंड। बीड्स यानी कि मोती, अलग तरीके के मोती जो होमो सेपियंस के समय की थी, जो कि शेल्स, बोन्स और एनिमल टीथ, शेल्स यानी कि जो समुद्र किनारे मिलती है हड्डियों से और जानवरों के दांतों से बनाई जाती थी। दस द बिगिनिंग्स ऑफ ह्यूमन कल्चर गो बैक टू द ओल्ड स्टोन एज। इसलिए जो बिगिनिंग है ह्यूमन कल्चर की वो स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज तक जाती है, से शुरू होती है। ओके, रिमेन्स ऑफ टूल्स फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट वेरियस प्लेसेस फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु। यस, जो टूल्स थे
ओल्ड स्टोन एज के वो पाए जाते हैं भारत में अलग अलग जगहों पर, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक। हाउ एवर नॉट मैनी ह्यूमन फॉसिल्स फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया। पर हालांकि ओल्ड स्टोन फॉसिल्स, ह्यूमन फॉसिल्स ओल्ड स्टोन एज से पाए नहीं गए हैं अब तक भारत में। फॉसिल्स ऑफ अ ह्यूमन स्कल एंड द कोलर बोन ऑफ एन ओल्ड स्टोन वुमेन वर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा इन द विसिनिटी ऑफ हथनोरा, अ विलेज फ्रॉम होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। ओके, फॉसिल्स ह्यूमन स्कल यानी कि इंसान के चेहरे की अंदर का स्कल और एक कोलर बोन पाया गया है ओल्ड स्टोन एज से एक औरत की, जो कि नर्मदा नदी के किनारे पर एक हाथनोरा विलेज गांव में होशंगाबाद शहर के पास मध्य प्रदेश में पाया गया है। बिसाइड्स दैट द फॉसिलाइज स्कल ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम द स्टोन एज वॉज फाउंड एट अ विलेज नियर पुडुचेरी। सम रिमेन्स ऑफ स्टोन एज ह्यूमन्स। ओके, साथ ही साथ एक और चेहरा, इंसान के चेहरे का स्कल, अंदर का हड्डी पाया गया है एक बच्चे का पाया गया है, और वो कहाँ है, पुडुचेरी के पास का एक गांव में पाया गया है। पुडुचेरी एक आइलैंड है तमिलनाडु का। सम रिमेन्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज ह्यूमन्स हैव बीन फाउंड इन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। और भी काफ़ी स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज के फॉसिल्स पाए गए हैं अफगानिस्तान और श्रीलंका, गंगापुर नियर नासिक एंड चिरी निवासा नियर निवासा आर अमंग द वेल नोन ओल्ड स्टोन एज साइट्स इन महाराष्ट्र। यस, गंगापुर नासिक के बाजू का एक गंगापुर गांव है जहाँ पर है चिरकी निवासा नियर निवासा। नेवासा के पास बहुत ही चर्चित ओल्ड स्टोन एज साइट पाया गया है महाराष्ट्र में। गंगापुर इज ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी रिवर एंड चिरकी निवासा इज ऑन द प्रवरा बेसिन। गंगापुर गोदावरी नदी के किनारे बसा है और चिरकी निवासा प्रवरा बेसिन में बसा है। मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक एज। होमो सेपियंस इन द मिडिल स्टोन एज कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस इन मेनी डिफरेंट वेज। होमो सेपियंस ने और ज़्यादा तरक्की की बीच के समय में, बहुत अलग अलग तरीके में। दे डोमेस्टिकेटेड द डॉग, उन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया। ड्यूरिंग द चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट इन द मिडिल स्टोन एज द वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस हैड बिगन टू चेंज। मौसम में परिवर्तन और एनवायरनमेंट पर्यावरण में मौसम और पर्यावरण में परिवर्तन यानी कि मौसम और आसपास का एरिया में चेंज आया, तो मिडिल स्टोन एज का भी वे ऑफ लाइफ चेंज हो गया। बिसाइड्स हंटिंग, होमो सेपियंस स्टार्टेड टू हार्वेस्ट फूड ग्रेन्स दैट ग्रू इन द वाइल्ड एंड टू ग्रो डोमेस्टिक एनिमल्स। यस, हंटिंग के साथ साथ उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, फूड ग्रेन्स भी उन्होंने उगाए और साथ ही साथ एनिमल्स को भी उन्होंने खेती में मदद के लिए रखा। देयर डाइट नाउ इंक्लूडेड वेरियस प्लांट फूड्स। दे ऑल्सो, उनका डाइट चेंज हो गया था क्योंकि इसमें प्लांट के फूड यानी कि ग्रेन्स भी थे और वो दे एक सेकेंड दे ऑल्सो बिगिन टू सेटल इन द वन प्लेस फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गोट्स ऑल्सो गोज बैक टू दिस पीरियड। उन्होंने एक साल से अधिक समय एक जगह पर बिताने का सोचा और शीप और गोट, भेड़ और बकरी को उन्होंने पालना शुरू किया। टेकिंग ऑल दिस इनटू अकाउंट इट अपीयर्स दैट होमो सेपियंस नाउ नीडेड सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स दैट वर लाइट इन द वेट एंड ड्यूरेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क सच एज हंटिंग, फिशिंग, हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज एट्सेट्रा। उन्होंने सोचा कि होमो सेपियंस को और ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत थी अभी, क्योंकि लाइट वेट में भी लाइट होने चाहिए और वैरायटी ऑफ टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि हंटिंग, शिकारी करना, मछली पकड़ना, खेती करना और पेड़ों को काटने के लिए उनको अलग अलग टूल्स चाहिए थे। ही यूज्ड टू मेक
He used to make implements like the knife and the sickle by firmly fixing a row of blades as well as small as fingernails into a groove in a bone or a piece of wood. उन्होंने नाइफ बनाया और एक अलग तरीके का टूल बनाया जिसमें रो था, एक लाइन में ब्लेड्स थे, फिंगर नेल्स यानी कि हमारे उंगलियों के नाखून के जितने थे और बोन में वो लगाए जाते थे और या फिर एक लकड़ी के टुकड़े में. मैनी साइट्स ऑफ द मिडिल स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया, अमंग देम इन बागोर इन राजस्थान, भूमभेटका इन मध्य प्रदेश, लंगनाज इन गुजरात एंड पठाने इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र आर द वेल वंस. ये एक मिडिल स्टोन एज का भारत में पाया गया है जो कि है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर पाया गया है. इन द मिडिल स्टोन एज द स्टोन ब्लेड्स यूज टू मेक इम्प्लीमेंट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोन बाय एक सेकेंड हाँ इन द मिडिल स्टोन एज मिडिल स्टोन एज में द ब्लेड्स यूज टू मेक इम्प्लीमेंट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोन बाय द फ्लूटेड कोर टेक्निक. मिडिल स्टोन एज में जो स्टोन्स ब्लेड बनाए जाते थे वो रिमूव किए जाते थे फ्लूटेड कोर टेक्निक्स. ये एक न्यू टेक्निक से अभी ब्लेड्स रिमूव किए जाते थे पत्थर से. फ्लूट मीन्स अ लॉन्ग पैरेलल एंड साइडेड डिप्रेशन ऑन द स्टोन. फ्लूट का मतलब है लॉन्ग, बड़ा और इक्वल और डिप्रेशन, साइडेड डिप्रेशन ऑन द स्टोन पर. एंड कोर मीन्स द ओरिजिनल स्टोन फ्रॉम विच द ब्लेड्स आर रिमूव्ड. कोर यानी कि एक ओरिजिनल स्टोन जहाँ से ब्लेड रिमूव किए जाते थे. आफ्टर द ब्लेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोन फ्रॉम ऑल साइड्स द रिमेनिंग कोर हैड सच फ्लूट्स ऑन ऑल साइड्स. ब्लेड्स जब रिमूव किए जाते थे स्टोन से हर तरफ से, हर साइड से, तो जो रिमेनिंग कोर बचा था उन्हें सच फ्लूट्स ऑन ऑल साइड्स बचा रहता था. ओके, ब्लेड्स रिमूव विद दिस टेक्निक आर वेरी माइन्यूट. जो ब्लेड्स रिमूव किए जाते थे इस टेक्निक से वो बहुत ही छोटे छोटे होते थे, द साइज ऑफ अ नेल और स्लाइटली बिगर. वो हमारे हाथों के नाखून जितने थे या फिर थोड़े और बड़े थे उनसे. हेंस दे आर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ्स के नाम से कहा जाता है. माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड लिथोस मीन्स स्टोन. माइक्रो यानी कि बहुत छोटा और लिथोस यानी कि स्टोन. इन द मिडिल स्टोन एज एरोज वर मेड बाय अ फिक्सिंग अ माइक्रोलिथ एट द टिप ऑफ अ सिक. मिडिल स्टोन एज में एरो बनाए जाते थे, जो तीर बनाए जाते थे बाय फिक्सिंग अ माइक्रोलिथ एट द टिप ऑफ अ स्टिक. लकड़ी से बनाए जाते थे एरोज फिक्स करके. ओके, लास्ट पैराग्राफ मैं अभी रीड करने जा रहा हूँ और वो है न्यू स्टोन एज न्योलिथिक एज. इन दिस पीरियड स्टोन टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ स्मूथ शाइनी फिनिश वर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम. इस पीरियड में स्टोन टूल्स पॉलिश किए जाते थे और ताकि वो स्मूथ रहे और हमेशा शाइनी और एकदम शार्प रहे. एज दिस वॉज अ न्यू टाइप ऑफ टूल मेकिंग टेक्निक द पीरियड दिस पीरियड वॉज नेम्ड एज द न्यू स्टोन एज. इस क्योंकि वो नई तरीके के टेक्निक से टूल बनाया जाता था इसलिए न्यू स्टोन एज इनको नाम इस एज को नाम दिया गया. बाय द टाइम ऑफ द न्यू स्टोन एज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. बाय द टाइम ऑफ न्यू स्टोन एज के समय पर एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एनिमल हस्बेंड्री हैड बिकम अ रूटीन वे ऑफ लाइफ. न्यू स्टोन एज के बाद से एग्रीकल्चर और एनिमल को पालना पोसना एक रूटीन बन गया था डेली का. हंटिंग वॉज नो मोर द मेजर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, इट बिकेम सेकेंडरी टू गिव टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. हंटिंग अभी बहुत कम हो चुका था और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था. देर आर मेनी साइट्स ऑफ न्यू स्टोन एज एग्रीकल्चर इन इंडिया, स्पेशली अलॉन्ग द गंगा रिवर एंड इन साउथ इंडिया. ज़्यादातर न्यू स्टोन एज के भी इंडिया में बहुत सारे साइट्स हैं, जगहें हैं, स्पेशली गंगा रिवर, गंगा नदी के किनारे बहुत है और दक्षिण भारत यानी कि
साउथ इंडिया में भी बहुत है। तो स्टूडेंट्स एक सेकेंड, तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेक्चर वीडियो। प्लीज़ मुझे बताइएगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट टू का मैंने आपको कैसे समझाया। एंड यस, आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर वीडियो में, जो कि है 7th चैप्टर फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट्स। उस चैप्टर में मिलते हैं। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टास्क। और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा लेक्चर्स वीडियोस लेकर आऊँगा। एंड आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ सतीश झलानी। एंड मिलता हूँ आपको अपने अगले लेक्चर वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।